पटाक 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और जुड़ चुके हैं आप एमपी तक के साथ। मध्य प्रदेश में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। अलीराजपुर जिले में यात्रियों से भरी एक बस नदी में गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। अलीराजपुर जिले से 15 जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर चांदपुर जगह है, वहाँ पर गुजरात के छोटा उदयपुर से अलीराजपुर आ रही बस मेलखोद्रा नदी में गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जिनके नाम बताए जा रहे हैं कैलाश मेढ़ा, उनकी पत्नी मीराबाई और 1 साल का बच्चा। 20 लोग घायल हुए हैं। इस हादसे के बारे में पुलिस का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। खंडवा बड़ौदा जो स्टेट हाईवे है उस पर छोटा उदयपुर से राजपुर के लिए तन्वी बस आ रही थी, जो चांदपुर के पास चांदपुर नदी में अचानक ड्राइवर का नींद का झोंका होने से पुलिया से नीचे गिर गई, जिसमें करीब 42 लोग सवार थे। तत्काल सूचना मिलते ही पूरा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन मौके पर पहुँच गए। कलेक्टर साहब और हम स्वतः मौके पर पहुँचे थे, जिसमें तत्काल राहत कार्ड चला करके सभी लोगों को बाहर निकाला गया। 28 लोग जिसमें घायल हैं, जिसमें एक बच्चा सीरियस है और 3 लोगों की मृत्यु हुई है और सभी का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है और मौके पे पहुंच के पूरी टीम ने राहत का काम सुचारू रूप से किया है। पुलिस ने इस पूरे मसले पर प्रकरण दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों और बस में सवार यात्रियों के मुताबिक अल सुबह का वक्त था और बस के ड्राइवर को नींद लग गई, इसी वजह से यह हादसा हुआ है, जिसके चलते 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, 20 लोग घायल हैं। बहरहाल इस पूरे मसले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी तक के साथ।